तो पंजाब के राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब के मुखिया, राज्यपाल इस वक्त दोनों मौजूद हैं, भगवंत मान भी, और राज्यपाल साहब की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में ये कहा जाता है कि तमाम मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वक्त जानकारी, तस्वीरें लाइव आ गई हैं और उन लाइव तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से राजभवन की तस्वीरें, पंजाब के सीएम भगवंत मान, और साथ ही साथ अगर जिक्र करें राज्यपाल की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त राष्ट्रगान के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले राष्ट्रगान और उसके बाद तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इस वक्त है। माननीय राज्यपाल जी दी जिनू सौ चुक समागम आरंभ करने की प्रवानगी देने की बेनती करता हूं। पाल सिंह चीमा का नाम बुलाया गया है, जैसा कि आप बता रहे थे दड़बा विधानसभा से हरपाल सिंह चुनकर आए हैं, और इससे पहले पंजाब में वो विधायक दल के नेता बने और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बने, और अब सबसे पहला नाम उनका पुकारा गया है। इससे पहले मैं बता रहा था कि हरपाल चीमा की बात करें, जी देखिए तो हरपाल सिंह चीमा इस वक्त शपथ ले रहे हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरपाल सिंह चीमा का नाम सबसे आगे था और हरपाल सिंह चीमा को सबसे पहले शपथ दिलवाई जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव राजभवन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हरपाल सिंह चीमा अब कैबिनेट में जगह पा चुके हैं, और इन तस्वीरों को हम आपको खास तौर पर लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है हरपाल सिंह चीमा, और हरपाल सिंह चीमा इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि हरपाल सिंह चीमा डिप्टी सीएम पद के लिए भी सबसे आगे हैं रेस में, और इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नाम पुकारा गया है। हरपाल सिंह चीमा दलित चेहरा हैं और उन्हें अभी हम देख रहे हैं कि शपथ दिलवाई जा रही है। अपने कर्तव्यों के ठीक निभा अजिहा करना लोड़ीदा होवे, मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। हरपाल सिंह चीमा दलित चेहरा हैं और डिप्टी सीएम की रेस में भी सबसे आगे हैं। आपको इस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पंजाब की दड़बा सीट से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक चुन के आए हैं। इस वक्त हूँ डॉक्टर बलजीत कौर जी को बेनती करता हाँ कि वो स्टेज पे आके कैबिनेट मंत्री के अहुदे और भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करन। मैं हूँ मानयोग राजपाल जी को बेनती करता हाँ कि वो डॉक्टर बलजीत कौर जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहु चुकाउण दी कृपालता करन। मैं डॉक्टर बलजीत कौर ईश्वर की सहु चुकदी हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगी, कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगी, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगी,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੀ। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के राजभवन से ये लाइव तस्वीरें हैं जो एक एक करके हम देख रहे हैं। शपथ ली जा रही है, बलजीत कौर ने भी अब शपथ ले ली है और भगवंत मान की कैबिनेट में इन्हें अहम जगह दी गई है। मुख्तार साहिब से बताया जाता है कि विधायक बनी है और पहली बार चुनाव लड़ी, जीत हासिल की और इनको जगह दी गई है कैबिनेट में। लाल इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश राजभवन से कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हरपाल सिंह चीमा ने भी शपथ ले ली है, लेकिन दूसरा भी नाम और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। फिलहाल अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं राज्यपाल के सामने। इस वक्त मैं हूँ श्री हरभजन सिंह जी ने बेनती करता हाँ कि वो स्टेज पर आके कैबिनेट मंत्री के अहुदे और भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करन। मैं हुण माननीय राज्यपाल जी नूं बेनती करदा हाँ कि वह श्री हरभजन सिंह जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण की सहु चुकाउण की कृपालता करन। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा, वह किसी व्यक्ति जा व्यक्तियों नू सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। तो हरभजन सिंह की तरफ से अब शपथ ले ली गई है। आपको सीधी तस्वीरें पंजाब के राजभवन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा की तरफ से शपथ ली गई, उसके बाद बलजीत कौर ने शपथ ली है और आप हरभजन सिंह की ये तस्वीर देख रहे हैं जब हरभजन सिंह की तरफ से भी शपथ ले ली गई, कैबिनेट में उन्हें जगह मिल गई है और भगवंत मान को पूरी छूट मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो अपने कैबिनेट का फैसला खुद लें। और हर जिस तरीके से हरपाल सिंह चीमा को कैबिनेट में जगह मिली है, उसी तरीके से हरभजन सिंह को भी हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। बलजीत कौर ने इससे पहले शपथ ले ली है और इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें लाइव तस्वीरें पंजाब के राजभवन से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीधी तस्वीरें हैं भगवंत मान की कैबिनेट की, जब कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। इस वक्त अभिवादन आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वीकार किया जा रहा है राज्यपाल और सीएम साहब की तरफ से। लेकिन मैं हूँ डॉक्टर विजय सिंगला जी ने बेनती करता हाँ कि वह स्टेज पर आके कैबिनेट मंत्री के अहुदे और भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करन। मैं हूँ माननीय राज्यपाल जी ने बेनती करता हाँ कि वह डॉक्टर विजय सिंगला जी ने कैबिनेट मंत्री के अहुदे और भेद गुप्त रखने की सहु चुकाने की कृपालता करन।
मैं विजय सिंगला ईश्वर दी सहु चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दे संविधान दे प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत दी प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपना कर्तव्य नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह दे लोकां दे प्रति संविधान अते कानून दी अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं विजय सिंगला ईश्वर दी सहु चुकदा हां कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जावेगा जां मैनूं ज्ञात होवेगा ओ किसे व्यक्ति जां व्यक्तियां नूं सवाए उसदे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सिद्धे जां असिद्धे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो डॉक्टर विजय सिंगला साहब की तरफ से भी शपथ ली जा चुकी है। मानसा से विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। सिद्धू मूसेवाला को हराया गया है, कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं, यानी भगवंत मान की कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। यानी जो पहली बार विधायक बने हैं उनको ज़्यादा तवज्जो इस कैबिनेट में दी गई है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। राजभवन से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं और इन लाइव तस्वीरों को दिखाने की कोशिश देखिए 24/7 न्यूज़ आप तक कर रहा है, क्योंकि 10 चेहरे जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। और इस वक्त सबसे पहले हरपाल सिंह सीमा, उसके बाद बलजीत कौर, उसके बाद हरभजन सिंह और अब हम डॉक्टर विजय सिंगला को देख रहे हैं जिन्होंने शपथ ले ली है। अभिवादन स्वीकार। श्री लालचंद जी नूं बेनती करदा हां कि उस स्टेज ते आके कैबिनेट मंत्री दे औहदे अते भेद गुप्त रखण दी सहु चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननीय राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि उह श्री लालचंद जी नूं कैबिनेट मंत्री दे औहदे अते भेद गुप्त रखण दी सहु चुकाउण दी कृपालता करन। मैं लालचंद कटारू चक ईश्वर दी सहु चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दे संविधान दे प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत दी प्रभुसत्ता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह दे लोकां दे प्रति संविधान अते कानून दी अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं लालचंद कटारू चक ईश्वर दी सहु चुकदा हां कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जावेगा जां मैनूं ज्ञात होवेगा ओह किसे व्यक्ति जां व्यक्तियां नूं सवाए उस दे कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे जां असिद्धे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। शपथ लेता हूं। आके कैबिनेट मंत्री दे औहदे अते भेद गुप्त रखण दी सहु चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननीय राजपाल जी नूं बेनती करदा हां
कि वह श्री गुरमीत सिंह मीथेर जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे ध्यान विच मेरे विचार अधीन लिया जाएगा तो मैनू ज्ञान होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नू सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे जा सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मैं हुण श्री कुलदीप सिंह धारीवाल जी नूं बेनती करदा हाँ कि वह स्टेज पर आके कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण मानयोग राजपाल जी नूं बेनती करदा हाँ कि वह श्री कुलदीप सिंह धारीवाल जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं कुलदीप सिंह धारीवाल ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा, मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं कुलदीप सिंह धालीवाल ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लैंदा जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नू सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। थैंक यू।
मैं हुण श्री लालजीत सिंह भुल्लर जी नूं बेनती करदा हाँ कि उह स्टेज ते आ के कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननीय राजपाल जी नूं बेनती करदा हाँ कि उह श्री लालजीत सिंह भुल्लर जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं लालजीत सिंह भुल्लर ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी और शुद्ध अंत हक रण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं लालजीत सिंह भुल्लर ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं हुण श्री ब्रह्म शंकर जी नूं बेनती करदा हाँ कि उह स्टेज ते आ के कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननीय राजपाल जी नूं बेनती करदा हाँ कि उह श्री ब्रह्म शंकर जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं ब्रह्म शंकर जिंपा ईश्वर दी सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी और शुद्ध अंत करण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात या स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिंपा ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उस दे अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपना कर्तव्य दे ठीक निभांदियां लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा। Thank you.
मैं हुण श्री हरजोत सिंह बैंस जी नूं बेनती करदा हां कि उह स्टेज ते आ के कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननीय राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि उह श्री हरजोत सिंह बैंस जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं हरजोत सिंह बैंस ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों नूं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भय जा पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं हरजोत सिंह बैंस ईश्वर की सहुं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा किसी व्यक्ति सवाई उसके कि अजिहा कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्य के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मैं माननीय राजपाल जी नूं सहुं चुक समागम समाप्त करन दी प्रवानगी देण लई बेनती करदा हां। मैं समूह मेहमानां नूं राष्ट्रीय गान लई खड़े होण लई बेनती करदा हां। दस मंत्री शपथ ले चुके हैं और इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जब इस वक्त समापन हो रहा है समारोह का राष्ट्रगान के साथ। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि दस मंत्री गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, पद की शपथ ले चुके हैं। और ब्रह्म शंकर साहब भी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि शपथ ले चुके हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। होशियारपुर से विधायक चुने गए हैं। उद्योग मंत्री श्याम अरोड़ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया गया था ब्रह्म शंकर साहब की तरफ से, जो कि नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया हमने आपको सुनवाया। इसमें लाल चंद की तरफ से भी मंत्री पद की शपथ ली गई है। जब लाल चंद ने मंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, 1200 से अधिक वोट से जीत हासिल की। और इस वक्त जब हम आपको एक एक करके हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर विजय सिंगला जो कि मानसा से विधायक बने हैं, उन्होंने पहली बार विधायकी जीती, जिसके बाद अब वो मंत्री बन गए हैं, उन्होंने भी शपथ ग्रहण कर ली है। एक एक करके तमाम चेहरे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विजय सिंगला साहब जो कि कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण करेंगे और वो तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ गई, क्योंकि विजय सिंगला साहब ने सिद्धू मूसेवाला को हराया
और वे डेंटल सर्जन रहे हैं। विजय सिंगला ने 63,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। मानसा सीट से विधायक चुनकर सिंगला साहब आए हैं। तो अलग अलग चेहरे के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हरभजन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और हरभजन सिंह ने तीसरे नंबर पर मंत्री पद की शपथ ली जब हरभजन सिंह ATO जंडियाला सीट से विधायक चुनकर आए हैं। और लालचंद का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं कि लालचंद ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। और बात अगर करें हरभजन सिंह की तो हरभजन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह डैनी को उनकी तरफ से हराया गया था। फिलहाल एक एक करके हर एक जानकारी हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लालचंद कटारूचक का इस वक्त हम आपको इतिहास भी दिखा रहे हैं क्योंकि समाजसेवी हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं जिसके बाद मंत्री बन गए हैं, अब कैबिनेट में जगह मिल गई है और आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इन मंत्रियों की तो सबसे पहले नंबर पर हरपाल सिंह चीमा ने शपथ ली, उसके बाद बलजीत कौर की तरफ से शपथ ली गई, उसके बाद हरभजन सिंह की तरफ से शपथ ली गई, फिर विजय सिंगला की तरफ से शपथ ली गई, फिर लालचंद कटारूचक की तरफ से शपथ ली गई और उसके बाद ब्रह्मशंकर की तरफ से शपथ ली गई। तो एक एक करके तमाम मंत्रियों की तरफ से शपथ ली जा चुकी है और आपको बता रहे हैं कि अब जो अहम जिम्मेदारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इन तमाम मंत्रियों पर आ गई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया लोगों को कि ये आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक सकारात्मक माहौल देगी और वही माहौल देने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस 10 नामों को हम आपको बता रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी अब उनको सौंप दी गई है। हालांकि बलजीत कौर जो कि मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं और मलोट सीट से विधायक बनी हैं, अकाली दल की हरप्रीत सिंह को हराया है और आपको एक एक करके हर एक चेहरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हरप्रीत सिंह को हराया गया जो कि अकाली दल की थी और ये कहा जा रहा है कि बलजीत कौर मुक्तसर में 8 साल से सरकारी नौकरी में है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं डॉक्टर बलजीत कौर के। फिलहाल कुलदीप सिंह धालीवाल की तरफ से भी शपथ ले ली गई है, अजनाला से विधायक बने हैं और मान कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। कुलदीप सिंह और अजनाला से विधायक बने हैं यानी उन नए चेहरों को जगह दी गई है जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें मंत्री बना दिया गया है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अहम जिम्मेदारी जब दी गई है इसमें से एक लालजीत भुल्लर साहब भी हैं जो कैरो प्रकाश सिंह बादल के दामाद भी बताए जाते हैं। फिलहाल भुल्लर ने पट्टी से कहा जाता है कि जीत दर्ज की और लालजीत भुल्लर की तरफ से भी मंत्री पद की शपथ ले ली गई है, गोपनीयता की शपथ ले ली गई है। तो तमाम 10 नाम हम आपके सामने रख रहे हैं और वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से अब मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। फिलहाल कयास लगाया जा रहा है कि जो पहले हरपाल सिंह चीमा की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली गई है उन्हें डिप्टी CM बनाया जा सकता है। इसी तरीके से बलजीत कौर का जिक्र करते हैं तो बलजीत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो एक एक करके जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो इसी तरीके से हैं, बलजीत कौर, हरपाल सिंह चीमा साहब हैं, हरभजन सिंह साहब हैं, उनको भी अहम जब जिम्मेदारी दी गई है तो जब शपथ उन्होंने ले ली है तो कुछ देर में ये पता लग जाएगा कि आखिर कौन सा मंत्री कौन बन रहा है यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डिप्टी CM कौन है। फिलहाल अभी 10 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, कैबिनेट में जगह दी गई है और ज़्यादातर वही विधायक हैं जो पहली बार चुनाव लड़के आए हैं यानी नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी बार विधायक बने हैं उनको कैबिनेट में अभी फिलहाल के लिए शामिल नहीं किया गया है लेकिन जो पहली बार विधायक बने हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी छूट दे दी गई थी कि भगवंत मान ही तय करेंगे कि कैबिनेट में आखिर किसको जगह देनी है और किसको जगह नहीं देनी है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है जब भगवंत मान की तरफ से कोशिश की गई कि जो नए विधायक आए हैं उनको जगह देनी चाहिए, इनमें से एक लालजीत भुल्लर जिनकी तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें और भी चेहरों की तो और भी चेहरों को जगह दी गई है, डॉक्टर विजय सिंगला हो, लालचंद साहब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों नु वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियां नू
सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने करतबां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। तो एक बार फिर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हरभजन सिंह को आप सुन रहे थे जो शपथ ले रहे थे। हरभजन सिंह जो कि जंडियाला सीट से विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस के सुखविंदर सिंह डैनी को 25,000 से अधिक वोटों से हराया गया है। 2012 में पीसीएस पास सरकारी अफसर बने थे और 2017 में सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया था और इसके बाद हम देख रहे हैं कि विधायक बने और अब उन्हें कैबिनेट में जगह दे दी गई है। हरभजन सिंह जो शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक एक करके हम आपको दोबारा से सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ ले ली गई है इन 10 तमाम मंत्रियों की तरफ से, नए चेहरों की तरफ से, उनका इतिहास भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल हरभजन सिंह जो कि जंडियाला सीट से विधायक चुने गए और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह को हरा दिया गया था लगभग 25,000 वोटों के अंतर से। 2012 में पीसीएस पास सरकारी अफसर बने और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अब किस तरीके से अहम जिम्मेदारी उन्हें कैबिनेट में दे दी गई है। हुण डॉक्टर विजय सिंगला जी नूं बेनती करदा हां कि ओह स्टेज ते आके कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेत गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननयोग राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि ओह डॉक्टर विजय सिंगला जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेत गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं विजय सिंगला ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपना कर्तव्य वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं विजय सिंगला ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसदे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने करतबां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर विजय सिंगला की तस्वीर आप देख रहे थे, शपथ ले ली गई विजय सिंगला की तरफ से। डॉक्टर विजय सिंगला पहले भी पंजाब में मंत्री रहे हैं, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को इस वक्त हराया है। डेंटल सर्जन रहे हैं विजय सिंगला ने, 63,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। मानसा सीट से विधायक चुनकर आए हैं और इस वक्त अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है, यानी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अहम पद उन्हें दिया जा सकता है। फिलहाल मंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉक्टर विजय सिंगला साहब को आप देख रहे हैं। एक बार फिर एक एक करके हम आपको सुनवा रहे हैं कि शपथ किस तरीके से ली जा रही है। गोपनीयता पद की शपथ इस वक्त डॉक्टर विजय सिंगला की तरफ से ले ली गई। चौथे नंबर पर विजय सिंगला की तरफ से शपथ ली गई। श्री लालचंद जी नूं बेनती करदा हां कि ओह स्टेज ते आके कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेत गुप्त रखण दी सहुं चुकण दी कृपालता करन। मैं हुण माननयोग राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि ओह श्री लालचंद जी नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे अते भेत गुप्त रखण दी सहुं चुकाउण दी कृपालता करन। मैं लालचंद कटारू चक ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुसत्ता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात। तो फिलहाल आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक एक करके शपथ ले ली गई है। 10 जो चेहरे हैं उन्हें शपथ दिलवा दी गई है, मंत्री वो बन चुके हैं।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जेके 24/7 न्यूज पर जारी रहेगा।